सो गाइस, आज एक क्वेरी जनरेट हुई है और क्वेरी बहुत अच्छी जनरेट हुई है। मतलब कि पेशेंट जो है वो थोड़ा सा समझदार लग रहा था, क्योंकि उन्होंने कहा है या उन्होंने पूछा है मुझसे कि क्या हम फ्रीक्वेंट इजैकुलेट करते हैं, क्या वो हमारी फर्टिलिटी पे कुछ दिक्कत दे सकता है या नहीं। तो मैं डॉक्टर हिमांशु धवन आपको आज आंसर देने आया हूँ कि एक्चुअली ये चीज पे फैक्ट एक्चुअली काम कैसे करता है। देखो, अगर आपकी इजैकुलेशन बहुत फ्रीक्वेंट है ना, तो इट मींस कि आपकी फर्टिलिटी पे हैम्पर करेगा ही करेगा। उसके पीछे रीज़न देखो। देखो, बेसिकली हमारे अंदर जो स्पर्म बनाने की टेक्नोलॉजी है ना, वो एक स्पर्मेटोजेनेसिस की वजह से है। कि मतलब अगर हमारे अंदर कुछ एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है, कोई एक ऐसी फैक्ट्री चल रही है जो स्पर्म को बना रही है, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को या उस फैक्ट्री को पूरा बनाने के लिए तकरीबन 90 दिन लगते हैं। वो तो एक हो गया कि एक स्पर्मेटोजोआ हमें 90 दिन बाद मिलता है, बट उसके बीच में भी एक 3-3 दिन की साइकिल होती है। मतलब कि स्पर्म तो 90 दिन के बाद मिल रहे हैं, वो तो चलो एक अलग जगह, बट उसके बाद एक साइकिल होती है हमारी 3-3 दिन की। 3 दिन में मतलब कि आपके पुराने जो स्पर्म हैं वो डेड होंगे और नए स्पर्म नए आते रहेंगे। तो डेड न्यू ये वाला एक कॉन्टिन्यूटी का प्रोसेस चलता है। अब इस प्रोसेस में मान के चलो अगर हम इजैकुलेट बार बार करेंगे तो हमारी फर्टिलिटी हैम्पर होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास उतने अमाउंट में स्पर्म नहीं मिलेंगे जो हमने 3 दिन के बाद मिलने चाहिए थे, क्योंकि उसको तो हमने जल्दी इजैकुलेट कर दिया। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे तो मैं फिर से समझाता हूँ थोड़ा सा और अलग तरीके से। मान के चलो 3 दिन है आपके पास, जहाँ पर आपके पुराने स्पर्म डेड भी होंगे और आपके न्यू भी आएंगे, ठीक है। अब मान के चलो आपके जो न्यू स्पर्म आ रहे हैं, न्यू स्पर्म काउंट जो बन रहे हैं, उसको अगर आप दूसरे दिन ही इजैकुलेट कर दोगे तो आपके पास संख्या जो होगी स्पर्म की वो कम हो जाएगी, और जब संख्या कम हो जाएगी स्पर्म की तो आपको फर्टिलिटी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। फ्रीक्वेंट इजैकुलेशन इट्स नॉट अ राइट थिंग, चाहे वो आपके नाइटफॉल से हो रहा हो, चाहे वो आपके प्री मैच्योर इजैकुलेशन से हो रहा हो, चाहे आप बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन भी कर रहे हो उससे भी हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ चल रही हैं या हो रही हैं, तो उसको आपको रोकने का एक रीज़न मिल गया। क्या? कि आपको इजैकुलेशन हर 3 दिन के बाद करना है, या फिर मास्टरबेशन भी करनी है तो हर 3 दिन के बाद करनी है। अगर नाइटफॉल हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लेना है, जिसकी वजह से हमें फर्टिलिटी इश्यूज ना हो। इसी के साथ अगर आपका क्वेरी सॉल्व हुई हो तो आप भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार।